माफिया मुख्तार अंसारी का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद यह ऑडियो सामने आया जिसमें वो अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह अभी अयोध्या के गुसाईगंज से विधायक हैं। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तब मुख्तार अंसारी जेल में बंद था और वो कृष्णानंद राय की हत्या से खुश था। ये ऑडियो भी आप सुनिए, अभय सिंह से बात करते हुए ये ऑडियो है। हम मुलाकात बैठे थे ना। हाँ बाबू, तो हम क्या अंदर करके बात किया गया। अब हल्ला है, देखते हैं टीवी पर आ रहे, उस पर क्या दिखा रहा है टीवी पर कि गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय के ऊपर हमला, 7 लोगों के मरने की खबर। 7 लोग मरे? हाँ ऐसे ही आ रहा। आप विधायक बचाए, क्या विधायक कहती है? ये तो टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा ये है कि वो मारे जा चुके हैं, विधायक मारे जा चुके हैं। अच्छा हुआ आप ईश्वर के उससे क्या कहते हैं कि आप बंद हो गए, नहीं तो फिर जो इसको आप ऊपर आरोप लगा। हाँ सर, हम ही को करते हैं, दुश्मनी हम ही लोगों से चल रही थी। जी जी, मनमुटाव हम ही लोगों से था राजनीति। हम और कहते कि अब ऐसे बंदोर विधायक दिन चले बंद क्यों भैया? हाँ जी, तो चलो हम तो बहुत खुश हैं। हाँ इनको पाप कटा भैया, साला पापी था, बहुत लोग था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल जीता करना पड़ता है इसका। जितने भी मारा है ठीक काम किया, हम लोग खुश हैं। और कल को इसका प्रचार करना पड़ता भैया हम लोग को। तब अब कराओ प्रचार। आज भी 25 दिन में पहली बार खबर अच्छी मिली है। अब तो नहीं ना दुखी है शेर? बिल्कुल वही, इतनी खुशी हमको ईश्वर कदम बता रहे हैं। ये साले कहा एक बार देख देख लो डायमंड। सब आशीर्वाद भैया ठीक है? ठीक है बाबू। अभय सिंह से बातचीत का ये ऑडियो आप सुन रहे हैं मुख्तार अंसारी का, जब अभय सिंह से बात होती है। हालांकि अभय सिंह पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे और वो भी किस तरीके से कई आरोपों में घिरे रहे। और जब मौत हो जाती है कृष्णानंद राय की, उस वक्त का ये ऑडियो है जिसमें मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि भाई किसने मरवा दिया ये नहीं मालूम के, लेकिन खुश बहुत हूँ। लेकिन कृष्णानंद राय के परिवार की आज पहली प्रतिक्रिया सामने आई कि इसी जन्म में आपको कर्म भुगतने पड़ते हैं, सही और गलत का हिसाब आप ऊपर जाकर नहीं देते हैं, आप यही देते हैं। और कृष्णानंद राय का परिवार बेहद खुश है, इतने सालों में पहली बार कृष्णानंद राय की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई। कृष्णानंद राय के परिवार ने जाकर आज सुबह ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, क्योंकि उनके लिए माफिया मुख्तार अंसारी सबसे बड़ा आरोपी व्यक्ति था, क्योंकि आरोप मुख्तार अंसारी पर ही लग रहे थे कि किस तरीके से कृष्णानंद राय क्योंकि चुनाव जीत गए थे और उसी जगह से जहां से मुख्तार अंसारी था, इसीलिए उसके अंदर वो खुंदस थी और उसने कृष्णानंद राय को मरवा दिया। और खुद मुख्तार अंसारी इस बात को कबूल कर रहा है, हालांकि इस ऑडियो का हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुख्तार अंसारी इस बात को कबूल रहा है अपने इस ऑडियो में कि हमारी अदावत थी, हमारे दुश्मन थे। और वो खुशी भी जाहिर कर रहा है, बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी की कल जेल में हार्ट अटैक आता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया बांदा के, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, कार्डियक अरेस्ट से उसकी जान चली जाती है। अब मुख्तार अंसारी का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो मौत हुई है ये कार्डियक अरेस्ट से नहीं हुई, क्योंकि स्लो पॉइजन दिया गया इसलिए जान गई है। लेकिन इन सबके बीच में कृष्णानंद राय के परिवार को आप सुनिए, या अभी आप सुन रहे थे उन डीएसपी को, वो इस बात को बता रहे थे, वो कुंडली को समझा रहे थे क्राइम की कि कैसे मुख्तार अंसारी का उस दौर में सिक्का पूर्वांचल में चलता था। मुख्तार अंसारी के विधायक अभय सिंह की बातचीत कृष्णानंद राय हत्याकांड के तुरंत बाद की है। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। बातचीत के ऑडियो का एक और हिस्सा हम आपको सुनवा देते हैं। भैया एक जमीन नहीं थी रिजवान भाई, तो वहाँ बात की वजह से सब लोग आए थे नवाब। हाँ बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे। हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी 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 यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। अच्छा सुनने में आया। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर, दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है।
ये तरफा जय श्री राम। अच्छा ओके हेलो। हाँ ठीक है मुट्ठी में ठीक है ठीक है रख रहे बात बातों की।